नमस्कार दोस्तों मैं प्राची संस्कृति आई एस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं आज की वीडियो में हम पांच बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने डायरेक्ट न्यूज़पेपर से लिए हैं इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे तो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग उसका ये सब्सटीट्यूट बनकर सामने आएगा हालाँकि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए लेकिन उस न्यूज़पेपर में से कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनको स्थेटिक के साथ जोड़ कैसे पढ़ना चाहिए ये इस वीडियो से जो है कवर हो जाएगा और अगर आप लगातार कंसिस्टेंट रहकर इन वीडियोस को देखेंगे तो करंट अफेयर की प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हमारा आज का पहला करंट अफेयर का टॉपिक देखते हैं फोकलैंड आइलैंड सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके सिलेबस में मैपिंग के लिहाज से ये जोग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही इस विवाद में क्योंकि भारत की मदद अर्जेंटीना की तरफ से मांगी गई है तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन का भी एक पार्ट हो जाता है आइए अब समझते हैं कि ये टॉपिक क्या है ये चर्चा में क्यों है देखिए हाल ही में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन उन्होंने इंडिया का दौरा किया था इसके बाद अर्जेंटीना ने फोकलैंड आइलैंड पर अपनी संप्रभुता के दावे की पुष्टि करने के लिए भारत का समर्थन मांगा है आखिर ऐसा क्यों किया है उन्होंने देखिए जो फोकलैंड आइलैंड है वो अभी ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में है लेकिन अर्जेंटीना जो है उस पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है ये मुद्दा बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और अभी सॉल्व नहीं हुआ है आइए पहले इस आइलैंड के बारे में चीजों को समझते हैं देखिए इसको मालवीनास द्वीप या फिर स्पेनिश इस इसलाज मालवीनास भी कहा जाता है दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का एक आंतरिक स्वशासित समुद्र पारिय क्षेत्र है यानी कि इसमें स्वशासन तो है लेकिन ये किसका एक ओवरसी रीजन है तो यूनाइटेड किंगडम का है इसके अलावा देखिए ये मुख्यतः दो द्वीपों में जिसको ईस्ट फोकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड इसमें बटा हुआ है इसके अलावा ये दो अन्य छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है न्यूज की अगर हम बात करें तो देखिए एक एडिटोरियल आया था इसमें अर्जेंटीना अक्नॉलेज इंडियन सपोर्ट फॉर रिजॉल्विंग फॉकलैंड जिसकी वजह से आज हम इसको कवर कर रहे हैं आइए मैपिंग देख लेते हैं ये देखिए वेस्ट फॉकलैंड है और यहाँ पर ये देखेंगे तो आप ईस्ट फॉकलैंड एक क्लियर डिस्टिंक्शन देखिए इनके बीच में आपको देखने को मिल रहा है इसके बाद अगर इसकी वर्ल्ड के मैप पे लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख लेंगे आपका दक्षिण अमेरिका है इसके अंदर जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है ये अर्जेंटीना है यहाँ पर अगर इस सर्किल पर आप फोकस करेंगे तो ये फोकलेट आइलैंड है तो अर्जेंटीना इस आइलैंड पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है लेकिन यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन है और ये जो है फॉकलेट आइलैंड पर अभी अपना अधिकार जो है रखे हुए हैं अब बात करते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच विवाद क्या है देखिए 1700 के दशक तक ये द्वीप निर्जन थे फिर फ्रांस ने 1764 में आकर यहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाने शुरू कर दी उपनिवेश जो है फ्रांस ने इन द्वीपों को अपना बना लिया उसके बाद अर्जेंटीना की सरकार जो कि स्पेन के तहत जो है थी जैसे भारत अंग्रेजों के अधीन था इसी तरह अर्जेंटीना की सरकार ने स्पेन से 1816 में अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और 1820 में अपनी आज़ादी के बाद उन्होंने इस फॉकलेट आइलैंड पर अपनी संप्रभुता का दावा कर दिया उसके बाद कुछ घटनाएं घटी हुई और 1830 के दशक से ये जो द्वीप है ये ब्रिटिशर्स के अधिकार क्षेत्र में है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर देखिए 1800 लोगों को जो है बसाया भी है ताकि एक तरीके से वो ब्रिटिश कम्युनिटी को वहाँ पर डेवलप कर सके तो इतना तो हुआ 1830 के बाद से लेकर द्वितीय विश्व तक या अभी तक देखिए ये किसके अधिकार क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 49 इसके बाद ये जो मुद्दा था ये कहाँ चला गया तो ये संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशन में जो है चला गया लेकिन जब कुछ आउटपुट नहीं निकल कर आया तो एक महत्वपूर्ण घटना हुई 1982 में उस टाइम पे अर्जेंटीना की एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है फॉकलैंड पर पर ब्रिटिशर्स आक्रमण कर दिया हालांकि युद्ध हुआ लेकिन 10 सप्ताह बाद अर्जेंटीना को जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा और तब से इस द्वीप पर जो है ब्रिटिशर्स का अधिकार है हालांकि उन्नीस में दोनों देशों के बीच में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे पर संप्रभुता का मुद्दा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है इसके अलावा जनवरी 2009 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया का, जिसने की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको और ज्यादा जो है मजबूत करने की बात की फिर आप बात करें तो 2013 में मार्च 2013 में एक जनमत संग्रह देखिए यहाँ पर कराया गया और इस जनमत संग्रह में वहाँ के लोगों ने इस बात को माना कि अभी ब्रिटिशर्स के अंदर जो हम स्वशासन में रह रहे हैं, ये हमारे लिए परफेक्ट है, ओके okay है तो ये पूरा मुद्दा है और अब क्योंकि अर्जेंटीना ने भारत का सपोर्ट इस मुद्दे पर मांगा है तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना ये टॉपिक अब आप अच्छे से समझ गए आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अरुणाचल प्रदेश और असम विवाद ये न्यूज में है आपको याद होगा अभी हमने करंट अफेयर की वीडियो में असम मेघालय विवाद के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था जिसके रिजोल्यूशन की तरफ कदम जो है चल रहे हैं उसी चीज़ को सामने रखते हुए अब अरुणाचल प्रदेश और असम गवर्नमेंट भी जो है साथ में काम कर रही है अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए देखिए न्यूज़पेपर में यहाँ पर क्या आया हुआ है कि टुवर्ड्स अ रिजोल्यूशन ऑफ दी अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर डिस्प्यूट देखिए जो अरुणाचल प्रदेश और असम है इन दोनों के बीच में ही विवाद नहीं है बल्कि असम जो कि बाकी की छः नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसको उन छः के साथ ही विवाद है ऐसा क्यों है क्योंकि जो असम है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ड्रॉ की, की गई जो बाउंड्री लाइन थी उसको मान्यता देता है लेकिन जो बाकी के राज्य हैं वो अपनी हिस्टोरिक जो परंपरागत उनके बॉर्डर्स थे उसको मानते हैं और वो कहते हैं हमारे जो इथेनिक और साथ में जो कल्चरली टाइज थे हमारे ट्राइब्स के जो परम्परागत भूमि थे उसके हिसाब से जो बॉर्डर बनते हैं हम उसको मानेंगे अभी पर्टिकुलरली अगर अरुणाचल प्रदेश के केस की बात करें तो देखिए असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर 123 है जिन पर विवाद है तो अभी इनको करने के लिए समितियां बनाने का निर्णय गवर्नमेंट्स ने किया है ये कि समितियां इन क्षेत्रों का दौरा करेंगी और शर्तों पर आधारित एक समाधान निकालने का ट्राई करेंगी ये जो समितियां हैं ये जिले पर आधारित होंगी इनकी इनको डिस्ट्रिक्ट कमिटीज जो है कहा जाएगा इस चीज को ध्यान में रखिएगा अब देखिए ये एक क्या है असम का मैप है और यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है बॉर्डर शेयर करता है कौन कौन से स्टेट्स देखिए आती हैं तो वेस्ट कामेंग ईस्ट कामेंग लोअर सुबनसिरी अपर सुबनसिरी वेस्ट सियांग ईस्ट सियांग ठीक है दिबांग वैली आता है लोहित आता है तो ये कुछ है तिराप आता है ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो असम के साथ बॉर्डर शेयर करती है इम्पोर्टेंटली ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं कि असम के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है तो ये देखिए ये एक मैप है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट तो सोनितपुर विश्वनाथ फिर आप यहां पर देखिए धीमा जी फिर तीन है ना ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है ध्यान रखिएगा एक स्टेटमेंट के रूप में सामने आ सकता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं असम और अरुणाचल प्रदेश की आपस में बॉर्डर शेयर करती है ये तो मैपिंग की बात हुई अब देखिए जो दोनों राज्य हैं इनके बीच विवाद क्या है इसको समझते हैं दोनों ही राज्य आठ किलोमीटर की सीमा रेखा जो है साझा करते हैं देखिए विवाद की शुरुआत कब हुई तो थ्री में हुई जब अंग्रेजों ने क्या असम के कुछ इलाकों को अलग करके एक काल्पनिक रेखा खींच दी और वो एक इनर लाइन रेगुलेशन ले आए समझते हैं देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है वो असम का ही पार्ट था अंग्रेजों ने क्या किया उसके कुछ मैदानी और पहाड़ी इलाकों को लेकर अलग कर दिया उसको एक नाम दे दिया एक काल्पनिक रेखा खींच दी और कहा अब से यहाँ पर इनर लाइन परमिट लागू होगा यानी कि जो लोग अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहते हैं उनको क्षेत्र में आने के लिए एक परमिट लेना पड़ेगा तो ये अंग्रेजों ने किया अब देखिए बात करते शुरू में इस क्षेत्र का उन्होंने नाम क्या रखा 1873 में जब इसको अलग किया गया तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्टिस का इसका नाम रखा गया बाद में इसका नाम चेंज करके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा कर दिया गया और जब भारत आजाद हुआ तो ये जो नेफा था ये असम के ही प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत आता था इसके बाद इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश और इसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया कब 1972 में इसके बाद 1987 में अरुणाचल प्रदेश अपने आप में एक पूरा राज्य बन गया और उसके बाद देखिए विवाद होना शुरू हुआ जब एक फुल स्टेट अरुणाचल प्रदेश को दर्जा मिल गया तो एक राज्य के लोगों ने दूसरे राज्य के लोगों पर ये आरोप लगाया कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो धीरे धीरे हमारी भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं इसके बाद हिंसा और विवाद को बढ़ावा मिला और 1989 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये मामला चला गया और तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है लंबित है तो अभी तक इस पर जो है कोई भी आप कह सकते हैं निर्णय नहीं आया है देखिए अरुणाचल प्रदेश का ये दावा है कि कुछ पारंपरिक भूमि जो उसकी जनजातियों से बिलोंग करती थी वो उसको दे दी जाए एक त्रिपक्षीय समिति का भी गठन हुआ था और उसने भी कहा था कि असम के कुछ क्षेत्रों को अरुणाचल प्रदेश को दे दिया जाए अब देखिए बारह समितियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गठित की गई हैं इनका क्या निर्णय रहता है उसका हम इंतजार करते हैं और तब हम पढ़ेंगे फिलहाल आपको जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नीफा है इसके बारे में कब ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिला इसके बारे में कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम इसके बारे में पता होना चाहिए इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर कौन सी लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क अवस्थित हैं यह भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम में पूछा जा सकता है नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं दल बदल विरोधी कानून ये चर्चा में देखिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एक जगह भाषण दे रहे थे वहां पर उन्होंने इस कानून के बारे में चिंता जाहिर की है और इस कानून पर निर्णय देने की जो अध्यक्ष या स्पीकर की शक्ति है उस पर भी उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं एक एक करके समझते हैं देखिए पहले क्या होता था लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आराम से से चले जाते थे। तो इसकी वजह सरकार में क्या नहीं आ पाता था। इस चीज को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बावनवा एक संविधान संशोधन जो है किया गया और इसके माध्यम से ये कहा गया यदि कोई व्यक्ति एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएगा तो उस पर दल बदल कानून लागू होगा उसकी सीट से उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और वो सीट जो है खाली मान ली जाएगी लेकिन अगर वन बाय थर्ड लोग ऐसा करते हैं कि एक तिहाई लोग जो है एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाते हैं तो जो है इसको विलय माना जाएगा इसको दल बदल नहीं माना जाएगा तो ये कानून के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे लेकिन इससे हुआ क्या हुआ ये जहां पहले एक या दो लोग पार्टी छोड़ रहे थे बड़े लेवल पर जो है लोग पार्टी छोड़ने लगे तो उस चीज को रोकने के लिए 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें कहा गया वन बाई थ्री जो होगा इसको बेसिकली विलय जो है नहीं माना जाएगा ये जो है दल बदल ही माना जाएगा लेकिन अगर दो तिहाई लोग जो है पार्टी छोड़ते हैं तो इसको विलय मान लिया जाएगा यानी कि जो दल बदल कानून है ये रिटेल पार्टी चेंज करने पर तो रोक लगाता है लेकिन होल सेल अगर दो तिहाई लोग पार्टी छोड़े तो इस पर रोक नहीं लगाता है और सेम स्टेटमेंट वेंकैया नायडू जी ने भी दी है कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं अयोग्यता के आधार क्या क्या है सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपने जो है एक पार्टी से आप निर्वाचित हुए थे उस पार्टी को छोड़ के आप दूसरी पार्टी में चले गए सिर्फ इससे ही दल बदल नहीं माना जाता कुछ और चीज़ें होती है जैसे आपकी पार्टी ने अगर आपको निर्देश दिए हैं कि आपको इस पक्ष में वोट देना है या तो आप उसके अनुरूप वोट नहीं देते या फिर अपना मतदान से अनुपस्थित रहते हैं तो भी दल बदल के प्रावधान लागू होते हैं इसके अलावा यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित हुआ है और वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है बात करें कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं यदि मनोनीत सदस्य छः महीने की समाप्ति के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यह आपका स्टैटिक का पोर्शन है इसको आराम से पढ़िएगा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अब बात करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ की अध्यक्ष की भूमिका क्या है देखिए दल बदल कानून से संबंधित है दसवीं अनुसूची और दसवीं अनुसूची पर निर्णय लेने का अंतिम और बाध्यकारी अधिकार स्पीकर के पास या फिर अध्यक्ष के पास है लेकिन यहाँ पर एक समस्या है स्पीकर को कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है या अध्यक्ष को कि इतने समय में आपको निर्णय ले ही लेना है इससे होता क्या है कई बार जो स्पीकर या अध्यक्ष होते हैं वो बहुत लंबे समय तक तो कोई निर्णय ही नहीं लेते हैं और कानून का कोई औचित्य रह जाता है जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूं कि मान लीजिए किसी एमएलए का ढाई साल का कार्यकाल रह रहा था वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं तो स्पीकर को निर्णय देना चाहिए कि उन्होंने दल बदल कानून का जो है एक तरीके से उल्लंघन किया है और उनकी सीट को रिक्त माना जाएगा लेकिन अगर स्पीकर ढाई साल तक इस पर जो है कोई आप कहे निर्णय ही ना ले तो वो तो अपनी टर्म पूरी कर लेंगे उसके बाद तो चुनाव होने ही होने हैं तो दल बदल कानून का औचित्य यहाँ पर खत्म हो जाता है इसीलिए वैकैया नायडू जी ने कहा है कि स्पीकर के लिए छ महीने की अवधि निर्धारित होनी चाहिए जिसके अंदर जो है उनको

नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रॉन्टियम जिसको फैंसी बियर भी कहते हैं ये न्यूज में है देखिए क्यों न्यूज में है माइक्रोसॉफ्ट ने भी हाल ही में कहा है कि स्ट्रॉन्टियम की तरफ से उन पर जो साइबर अटैक किए जा रहे थे इसको उन्होंने रोका है और इसीलिए देखिए न्यूज़पेपर में आया भी है टैकलिंग स्ट्रॉन्टियम ए साइबर स्पोनोनेच ग्रुप ठीक है ये है क्या दरअसल बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है जिनका उल्लेख मैंने हाँ पर किया हुआ है फेंसी बियर इसका एक और दूसरा पॉपुलर नेम है 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 ये क्या एक एक साइबर स्पाई ग्रुप ठीक जासूसी ग्रुप है देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि रूसी सशस्त्र बलों की मुख्य सेना खुफिया शाखा जो कि जी आर यू है उससे ये जुड़ा हुआ है साथ ही इसको एपीटी समूहों में से एक भी माना जाता है एपीटी समूह क्या होता है एडवांस प्रसिस्टेंट थ्रेट वाले समूह इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छा अब ये क्या करते हैं ये मालवीयर वगैरह का यूज करके कंप्यूटर्स में नेटवर्क में सेंधमारी करते हैं और इंपॉर्टेंट डाटा इंफॉर्मेशन वहाँ से चुरा लेते हैं इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कीबोर्ड पर आप कितनी तेजी से चला रहे हैं वो जो की स्ट्रॉक होता है उसका आपके माउस की जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट कर सकते हैं इसके अलावा जो यूएस पोर्ट होता है और वेब होता है उसको भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं तो अगर आप

अगर देखिए कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें सिर्फ सेफ्टी को लेके सिक्योरिटी को लेके ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो सॉफ्टवेयर की का पता लगा के कंप्यूटर में सकते हैं घुसपेटिया या घुसपेटियों का ग्रुप किसी नेटवर्क पर चीजों को चुराने के लिए उसकी जासूसी करने के लिए बहुत लंबे समय तक तो उस नेटवर्क में सेंध बना के रखता है तो उसको एपीटी कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा इसके बाद देखिए बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की टॉपिक है पोलियो ये न्यूज़ में क्यों है देखिए ध्यान रखिएगा जो टाइप टू और टाइप थ्री इसका आप कह सकते हैं वेरिएंट है ये पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है लेकिन जो टाइप वन वेरिएंट है वो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान देश, जैसे देशों में बस बसा हुआ है अभी कुछ केसेस सामने आए हैं जहां पर पता चला है कि पाकिस्तान से इंपोर्ट होकर मालावी के अंदर कुछ पोलियो केसेस मिले हैं जो कि वैक्सीन इंड्यूस्ड केसेस हैं यानी कि वैक्सीन की वजह से वो केसेस देखने को मिले हैं तो डब्ल्यू ने इस चीज़ को लेकर चेतावनी दर्ज की है और क्योंकि ये साइंस एंड टेक का एक टॉपिक हो जाता है इससे पहले जो हमने स्ट्रॉन्टियम पढ़ा था वो भी साइंस एंड टेक का टॉपिक हो जाता है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसके अलावा जो हेल्थ है उसका भी एक टॉपिक हो जाता है देखिए भारत की बात करें तो भारत में टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री, तीनों का ही उन्मूलन किया जा चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए पोलियो क्या करता है? ये तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। फिकल-ओरल रूट के माध्यम से ये फैलता है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को। इसके बाद देखिए पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह प्रभावित करता है ये आंत में रहता है वहां पर अपनी वृद्धि करता रहता है उसके बाद नर्वस सिस्टम को अटैक करता है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है देखिए डब्ल्यू ने वायरोलॉजिकल भिन्नताओं के आधार पर तीन अलग टाइप इसके बताए हैं तीनों टाइप देख लेते हैं टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री ठीक है टाइप वन क्या है ये देखिए इसका उन्मूलन शेष है अफगानिस्तान पाकिस्तान में विद्वान है टाइप टू दो हजार पंद्रह में इसके उन्मूलन की घोषणा हो चुकी है और टाइप थ्री का अंतिम मामला उत्तरी नाइजीरिया में दो हजार बारह में दर्ज किया गया था उसके बाद से बोल दिया गया डब्ल्यू एच ओ की तरफ से कि टाइप टू और टाइप थ्री खत्म हो चुका है ये तो हुई इसकी वेरिएंट की बात अब इसकी वैक्सीन की बात कर लेते हैं दो तरह की वैक्सीन होती है एक होती है आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन दूसरी आपकी इनएक्टिवेटेड जो है वैक्सीन होती है ओरल के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया जा चुका है लेकिन जो वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो केसेस होते हैं वो कई बार देखने को मिल जाते हैं देखिए समझते हैं इसमें क्या होता है टाइप वन के लिए भी ये दवाई हो सकती है दो टाइप के लिए भी दवाई हो सकती है और तीनों टाइप का कॉम्बिनेशन के रूप में भी यह दवाई हो सकती है वायरस इसके अंदर या तो वीकेंड होता है या अटैन होता है यानी कि वायरस को कमजोर करके डाल देते हैं और फिर बॉडी में जो है उसको देते हैं तो कई बार वो वायरस एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से वैक्सीन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन किसी और व्यक्ति को हो सकता है दूसरी जो वैक्सीन है वो है आपकी इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन दरअसल ये तीनों टाइप के खिलाफ होती है और इसके अंदर जो वायरस होता है वो नहीं होता तो इसीलिए जिस व्यक्ति दवाई ठीक है इसके से अलावा तो आप कि कि तो आपको पता होना चाहिए, चाहिए इनएक्टिवेटेड में तीनों टाइप की जो है वैक्सीन होती है तो ये आपने पोलियो के बारे में अच्छे से समझा मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पांच वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है लगातार इन वीडियोस को देखिए छः सात महीने बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी करंट अफेयर की इतनी अच्छी तैयारी हो गई है टॉपिक्स पर इतनी अच्छी पकड़ आपकी बन गई है कि आपको बहुत अच्छा अपने आप में फील होगा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको महसूस होगा और परीक्षा में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो पढ़ने से ही मिलता है तो अच्छे से पढ़ते रहिए नमस्कार